बात करें अगर जंगल के सबसे खूंखार शिकारी माने शेर की, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि शेर आखिर ये शुतुरमुर्ग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसके अंडे का शिकार कैसे करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको दिखाते हैं कि अब ये शेर भूख से तड़पता हुआ नज़र आ रहा है, अब ये जाता है अपने शिकार की तलाश में, तभी इसे दिखाई देता है कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग के बच्चों का एक झुंड और शुतुरमुर्ग भी साथ में होते हैं। ये उनको देखते ही उनका शिकार करना चाहता है, तो ये शुतुरमुर्ग अपने अंडों को छिपाने में लग जाते हैं। इनको भी भनक लग जाती है कि शायद इन पर अटैक होने वाला। चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आपको दिखाते हैं आज की एक शेर आज कैसे अंडों को खाता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक तो आपने शेर को मांस खाते हुए देखा होगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शेर जो अंडों को खाता हुआ नज़र आया था। अब शुतुरमुर्ग भी जान जाता है कि उसके बच्चों पर खतरा आने वाला, तभी शेर दबोच कर उसे के बच्चे को पकड़ लेता है और शुतुरमुर्ग दूर से देख कर हैरान हो जाता है कि शायद आज उसके बच्चे की जान चली जाएगी। लेकिन अभी तो वो चरने में व्यस्त है, लेकिन फिर भी शेर दबे पांव उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो चलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपको दिखाते हैं कि भैंसों का शिकार शेर आखिर कैसे कर लेते हैं। तो शेर तो भैंसे से बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि भैंसें इनके मुकाबले बहुत बड़ी होती हैं, शार्प और लंबी सींग भी होती है, जिससे अगर वो चाहें तो इस शेरों का पल भर में छक्का भी छुड़ा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को अंत तक, आखिर होता क्या है। ये जो शेर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भैंसों का शिकार कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने एक छोटा सा तालाब है, जहाँ पर हरी हरी घासें और छोटे हरे पौधे भी हैं, और उसी का फ़ायदा उठाते ये शेर इस जगह झाड़ियों में छिपे हुए आराम से लेटकर बैठे रहते हैं, जैसे कि कोई लगता हो कि कोई मिट्टी हो, लेकिन वहाँ पर भैंसों का झुंड आता है पानी पीने के लिए। आपको बता दें कि भैंस एक ऐसी जानवर है जो ज़मीन पर रहती है, हरी पत्तियों को और घासों को खाकर जीती है, और वो पानी में ज़्यादातर समय बिताती है, क्योंकि उनकी जो गर्मियों के मौसम में उनकी जो चमड़ी होती है वो बहुत गर्म हो जाती है, इसीलिए वो पानी में बैठकर अपने एक दो घंटे का समय बिताती हैं, जिससे उन्हें ठंड का एहसास होता है। तो चलिए वीडियो में दिखाते हैं कि शेर अब क्या करता है, उसे उस पानी में आने से पहले ही अटैक कर देता है या पानी में आने के बाद। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और दिखाते हैं आपको कि ये जो भैंसें हैं ये शेर का सामना कैसे करती हैं। तो आज इन शेरों को भी अपनी औकात पता चल जाएगी कि आखिर जो भैंसें होती हैं वो भी अगर अपने विकराल रूप में आ जाएँ तो इनके छक्के भी छुड़ा सकती हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। आप देख सकते हैं कि भैंसों का इतना बड़ा झुंड वहाँ पर जाता है पानी पीने के लिए, अब एक शेर जल्दबाजी कर देता है और उस पर अटैक करने के लिए तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि भैंसों का इतना बड़ा झुंड, शेर भी उनकी तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अब देख सकते हैं कि एक शेर ने एक छोटे से भैंसे के बच्चे को दबोच लिया था, लेकिन कुछ भी करके वो छूट जाते हैं और नदी के उस पार चले जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब भैंसे भी एक खाली जगह पर हैं। अब देखते हैं आखिर होता क्या है। ये दो शेर मिलकर एक छोटे से भैंस के बच्चे पर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन जिसका वो बच्चा था, वो भैंसे उन शेरों को मार के वहाँ से भगा देती हैं। आज इस शेर की किस्मत तो अच्छी थी, ये बच गया, लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता है कि इन शेरों को भैंसों का फुटबॉल बन जाना पसंद है, क्योंकि ये भैंस शेरों को फुटबॉल बनाकर उछाल उछाल कर फेंकती हैं अपनी सींगों से। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, मैं ऐसी एनिमल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ एनिमल वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जिससे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ हमारे लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर होता क्या है। शेर भी डर के मारे सहम जाते हैं, और भैंसों का उतना काफ़ी बड़ा तो झुंड नहीं है, 25 से 30 ही भैंसें होंगी, जिसे ये शेर सोचता है कि मैं शायद इसमें से किसी का शिकार कर लूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अगर वो चाहें तो इन शेरों को पल भर में अभी इनकी औकात दिखा सकती हैं, लेकिन शेर भी जिद्दी शिकारी होता है, क्योंकि इसे जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर होता क्या है अंत में। आपको बता दें कि ये शेर जो है अपनी मुंह की खाता है और वहाँ से बिना शिकार किए ही वापस लौट जाता है, क्योंकि शेर भी समझदार और बहुत ही चालाक होता है। वो जानता है कि इतना बड़ा भैंसों का झुंड है, यहाँ पर शिकार करना सही नहीं है, क्योंकि सही शिकार करने का वक्त अभी इसके लिए नहीं है, वहाँ से जाने में ही समझदारी दिखाता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, और प्लीज़ चैनल पर आए हो तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखकर जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त आगे की होने वाली है। चलिए दिखाते हैं अब क्या होता है कि इन झाड़ियों में भी एक भैंसा छिपा होता है कि शेर होता है। आपको सब कुछ दिखाते हैं कि इन झाड़ियों से क्या होता है, वहाँ पर वो क्यों बार बार देखता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको बता दें। तो चलिए देखते रहिए हमारे साथ इस वीडियो को।
उसे पता था कि उसका एक साथी उन झाड़ियों में छिपा है। तभी एक भैंसे ने उसे वहां से दौड़ाकर भगा दिया, जिससे देखने में यह रहता है कि वो छिपकर उसका शिकार करना चाहता था। अब वो दोनों शेर वहां से भागने में अपनी समझदारी दिखाते हैं, क्योंकि भैंसों का इतना बड़ा झुंड पल भर में उन्हें मौत की नींद सुला सकता था। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। जंगल में तो ऐसे बहुत ही खूंखार शिकारी होते हैं जो आए दिन किसी न किसी जानवर का शिकार कर लेते हैं, लेकिन आज इनकी दाल नहीं गल पाई, क्योंकि इनका शिकार करने का जो तरीका था ये गलत साबित हुआ। भैंसों ने अपनी जान बचाई और शेरों ने अपने आदत को सुधारने की कोशिश की, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सही वक्त और सही समय का इंतज़ार करेंगे, तब ही ये शिकार कर पाएंगे। भैंसें भी अपनी जान बचा लेती हैं और वहाँ आराम से पानी पीकर वहाँ से चली जाती हैं। अब आपको दिखाते हैं, आपने फॉक्स तो जानते ही होंगे कि फॉक्स आखिर होती क्या है। फॉक्स एक ऐसा जानवर है जिसे हम लोमड़ी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्नैक है जो बहुत ही जहरीला है। अब ये फॉक्स, दो फॉक्स थी, अब यहाँ पर तीन हो चुकी हैं। अब ये दोनों तीनों मिलकर उसे बार बार खींच कर रोड की तरफ लेकर आती हुई नज़र आ रही हैं। आपने पहला ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें कोई नॉन वेनमस जानवर एक वेनमस जानवर को मारता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि स्नैक के बाइट करने से इस फॉक्स की तुरंत मौत हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो मूवमेंट के लिए तैयार होता और फॉक्स जो लोमड़ी होती है अपने मुंह में उसे दबोचकर इतने तेज़ी से झटकने लगती है कि सांप भी वहीं पर सुस्त हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि सांप का मूवमेंट हो नहीं पाता, नहीं तो ये फॉक्स जो होती ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड में यहीं पर ढेर हो जाती। इसे मौत की नींद सुला देता है ये सांप। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक शाकाहारी जानवर कैसे एक जहरीले जानवर को मारता हुआ नज़र आ रहा है। तो वीडियो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको देखने में मिलेंगी। तो वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। तो चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जैसे तैसे करके उस लोमड़ी ने उस सांप को मार ही डाला। तो चलिए वीडियो में आपको आगे के दिखाते हैं कि ज़ेब्रा पर कैसे अटैक होता है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि जंगल इतना बड़ा होता है, यहाँ पर सभी जानवर होते हैं। अगर बात जंगल की हो तो यहाँ पर सभी जानवरों की बात होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि जंगल में खूबसूरती में तो सबसे खूबसूरत दिखने में दूर से ही पता चल जाता है कि ये ज़ेब्रा है। ये आप देख सकते हैं कि अपने झुंड से अलग होकर इन बड़ी झाड़ियों के बीच में आ जाता है और वो चालाक शेर, मतलब जो बहुत बड़ा शेर था, वो भी इस झाड़ियों में छिप कर बैठ जाता है। अब इसी का फ़ायदा उठाता है शेर और ये ज़ेब्रा पर अटैक कर देता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे वो अटैक करता है। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। अब ये शेर अपना रास्ता चुनकर वहीं पर बैठ जाता है और जो ज़ेब्रा होता है उसी मंजिल पर आगे बढ़ने लगता है, जिससे शेर को और आसानी हो जाती है इसका शिकार करने में। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो शेर छिप कर बैठे थे। अब बारी बारी से शेरों का झुंड बढ़ता चला जा रहा है और उस ज़ेब्रा को गर्दन से दबोच लेते हैं। आपको बता दें कि जो शेर होते हैं इनके दांत बहुत ही शार्प होते हैं और जो इनके पंजे होते हैं ये भी बहुत मजबूत होते हैं। जब एक बार अपने जबड़े में किसी शिकार को दबोच लेते हैं तो शायद किसी शिकार का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी की किस्मत ही होती है जो इस शेरों के शिकार से बच सकता है। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर एक ही शेर था, धीरे धीरे करके यहाँ पर शेरों का इतना बड़ा झुंड जुट चुका है और बाकी ज़ेब्रा दहशत के मारे दूर से खड़े होकर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब में डर का माहौल जारी है। तो चलिए वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि ऐसी एनिमल वर्ल्ड की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। अब लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो ज़ेब्रा वहाँ से बच नहीं पाता और सभी शेर मिलकर उसे मारते हैं और अपना लंच मजे से करते हैं। अब ज़ेब्रा का तो बचना बहुत ही मुश्किल है, मानो जंगल में आज पार्टी हो चुकी है। तो पार्टी तो होने दीजिए, तो ठीक है, लेकिन चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी पार्टियाँ जंगल में ऐसा होती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं कि ज़ेब्रा यहाँ पर इतना बड़ा झुंड के साथ चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं ज़ेब्रा पर कैसे एक क्रोकोडाइल का अटैक होता है। आपको बता दें कि एक रिवर होता है, जो मतलब नदी, जंगल में नदियां तो होती हैं, वो नदियों को पार करने के लिए ज़ेब्रा जाते हैं। आप देख सकते हैं कि उस नदियों में मगरमच्छ भी अंदर रहते हैं, तभी एक वहाँ पे मगरमच्छों का इतना बड़ा झुंड आता है। आप देख कर हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा मगरमच्छ का झुंड
जैसे कि नदियों में मगरमच्छों का ही राज हो। अब एक ज़ीब्रा को गर्दन से दबोच लेते हैं। अब देख सकते हैं अब वो वहाँ से फंस चुका है। अब बाकी ज़ीब्रा वहाँ से भागने में अपनी समझदारी दिखाते हैं क्योंकि एक के पीछे सारे लग जाते हैं। अब बता दें कि इस ज़ीब्रा का तो पानी में ही लंच होने वाला है। उस ज़ीब्रा का तो सूखे जगह पर हुआ था लेकिन इसका तो पानी में ही लंच हो चुका जहाँ पे इन्हें पानी खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि उस जिंदे मगरमच्छ को कैसे ही अपने जबड़े में दबोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि मगरमच्छ का जो जबड़ा होता है ये जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं होता, जो प्रेशर पड़ता है तो कोई भी चीज़ वहाँ पर चिपटी हो जाती है, वैसे ही इनका जबड़ा भी होता है। एक ही बार दबोचने से इनकी पूरी किसी भी जानवर की हर जान तुरंत निकल सकती है। अब देख सकते हैं कि जिंदे ज़ीब्रा को नोच नोच कर ये मगरमच्छ खाने लगते हैं क्योंकि ये पार्टी बहुत ही खतरनाक तरीके से करते हैं कि देखकर रोंगटे भी खड़े हो जाएं। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दिखाते हैं आगे की वीडियो और क्या होने वाली है। वैसे तो ये जो क्रोकोडाइल होते हैं दिखने में बहुत ही शांत होते हैं मगर जब ये शिकार करते हैं तो सबसे खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं कि ज़ीब्रा अब भी ज़िंदा है और वो बार बार वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि पीछे का उसका पूरा हिस्सा ये दरिंदे नोच नोच कर उसे खा चुके हैं। अब वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी बच नहीं सकता। शेरों का तो पानी में शिकार करना मुश्किल हुआ था लेकिन अब यहाँ पर ये सक्सेस हो चुके हैं क्योंकि इनका शिकार कामयाब हुआ और ये मगरमच्छ मज़े से इस ज़ीब्रा का शिकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, स्क्रीन पर दो वीडियो अभी चालू होने वाली है उसको भी ज़रूर एक बार टैप करके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो में। तो चलिए